रमो अरहंकारम रमो सिद्धारम रमो आर्यारम रमो अध्यायारम रमो लोये सर्वसाहूरम शुद्धात्मानमनेकान्तम् साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टि सिद्ध्यर्थम संदष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वस्तु का जो स्वभाव है वही नियम है, इसका अर्थ करो। वस्तु का स्वभाव ही नियम है, अर्थ करो। नंबर एक, आत्मा ज्ञानमय है, अनादि अनंत है, ये नियम है। इसको कोई चार नहीं सकता, कुछ नहीं करता। अपने अस्तित्व गुण से प्रत्येक वस्तु की सत्ता है, किसी दूसरे के कारण से नहीं। नियम है ये, अपनी अपनी अर्थ क्रिया द्रव्य स्वयं करता है, कोई दूसरा नहीं करता, कर सकता नहीं। मोही या अज्ञानी पर का कार्य करने के विकल्प करके आकुलता कर सकता है, आकुलित हो सकता है, अधीर होकर के रो सकता है, दुखी हो सकता है, नए कर्म मान बनते के संसार में भ्रम सकता है, लेकिन पर का कार्य नहीं कर सकता। तीर शंकर सबको नहीं सुधार पाए। तुम कितनी कह रहे टाइम पे आ टाइम पा नहीं ना, चले आएंगे धरती तक, क्या अच्छे दर्जने और आके बैठ जाएंगे। क्यों ये बैठे हो ना, इनको ये नहीं लगता ये हमारी लड़की का व्यवहार से ज्यादा कार्य है। नहीं तो उस तरह से उत्साह और प्रेम नहीं, लोग बाहर के नहीं आते। उसका कारण है जो यहाँ बैठते हैं ना, उनकी प्रवृत्ति निर्मल नहीं है। गांधी जी की चांटी लगाने लगे हमारे सामने, वो झूठ बोल रहा है, इसमें हमारी पवित्रता की कमी। जब तुम्हारी तुम्हारे घर में नहीं चलती तो घर छोड़ क्यों नहीं देते, हम पूछते। स्वाध्याय में नहीं आ सकते करने में, क्या करें, कोई सुनते तो घर क्यों नहीं छोड़ देते, तुम क्यों नहीं अनसुनी कर रहे। तुम भी चार कार्यक्रम में कह दे रहे हो बैठ गए, आज बैठ गए, कल अपने वहां बैठ गए, परसों वहां बैठ गए। ये अनादर भाव तुम्हारा है खुद का, तुम्हारी सुनेगा कौन, प्रभाव कैसे होगा भाई। वैसे तो मैं कही आपने कही सुहा लट गया, हम कह रहे हमने कही थी। अरे जिस भाव से हमने कहा वैसे भाव से कहते ना, और ना हमारे कहने से हटा ना तुम्हारे कहने से नहीं हटा, ये ध्यान रखना। उसकी योग्यता थी तो वो कार्य हुआ। नियम बनाए नहीं जाते, नियम समझे जाते हैं। और नियम को समझे बिना केवल नियम बनाने के चक्कर में रहें तो अपनी सुविधा के अनुसार नियम बना लें। मोई जी कैसे नियम बनाएगा बता, शरीर के मोह वाला जी घर में नियम बनाए, भाई चार बजे चाय, छह बजे चाय बन जाना चाहिए, अरे सात बजे सबको प्रसाद में जाना चाहिए। अब अलग अलग नियम बना दिया अपने अपने साथ। और जो नियम बनाएंगे उनका पालन हम कर रहे हैं कि ये हमें होता ही नहीं जाएगा। जैन शासन में नियम बनाने की व्यवस्था नहीं है, नियम को समझने की और नियम की श्रद्धा करने की, नियम का पालन करने की व्यवस्था है।
नियम को समझना सम्यक ज्ञान, नियम की श्रद्धा करना सम्यक दर्शन, और नियम का पालन करना सम्यक ज्ञान। अब रही बनाने की बात, तो बनाने का भी अपने चाहे देश में हो चाहे समाज में हो चाहे परिवार में, एक आदमी नियम बनाने वाला थोड़ा ही हो सकता। नियम बनाने वाले उसके विशेषज्ञ होते हैं, जो सारी परिस्थिति को आगे पीछे सबको लेकर के साथ में चले तब नियम बनता। संविधान बनाना था देश का, जब देश स्वतंत्र हुआ तो कुछ नहीं किसी से पूछ लो भाई बोला क्या होना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। तीन आदमियों की, पांच आदमियों की, विशेषज्ञों की बेंच बने कि भाई तुम अमेरिका का भी संविधान अध्ययन करो, इंग्लैंड का भी अध्ययन करो, रूस का भी अध्ययन करो, और फिर बनाओ। कितना टाइम लगा, 1947 में देश स्वतंत्र हुआ और संविधान लागू कर पाया 1950 में, 3 साल। और संविधान में भी आपको मालूम है भगवान महावीर का चित्र लगाया, और हमारे संविधान की आत्मा वह अहिंसा है जो इन महापुरुष का देन। मैंने महावीर भगवान द्वारा बताई गई अहिंसा को उन्होंने अपने सिर माथे रखा तब बनाया। और संविधान में दंडनीय किसको लिखा बोलो, माता पिता की सेवा करना दंडनीय है बोलो, लिखा है नहीं लिख सकते, कैसे लिखेंगे। जो दंडनीय है पाप वही तो दंडनीय है। संविधान में भी दंडनीय उसे ही कहा जो अपने और पराये लिए दुख के कारण है। पापों को ही तो दंडनीय कहा, धर्म को दंडनीय कहा, पुण्य को दंडनीय कहा, अब वो लौकिक क्षेत्र था तो पुण्य को दंडनीय नहीं कहा। नहीं तुम पड़ोसी घर में चोरी नहीं कर सकते, ठीक बिल्कुल सही, लेकिन पड़ोसी का सहयोग नहीं कर सकते। आप पड़ोसी का कोई सहयोग नहीं करेंगे, ध्यान रखना। ऐसा तो नहीं लिखा, दया के लिए दंड लिखा हो बता, शील के लिए दंड लिखा हो, संतोष के लिए दंड लिखा। अनाथ अनाथ को क्या सीधा पड़ गया, आप नहीं रख सकते, कितने से ज्यादा नहीं रख सकते। आपकी आमदनी है आप टैक्स दीजिए, सरकार में जमा करिए, जनता का धन है, तुम्हारी गोपोटी नहीं है, जनता के लिए खर्च होगा, और नहीं तो तुम एनजीओ बना लो, तुम खर्च कर लो। मतलब ये है इतना आपका है, बाद बाकी बजे तो आप परोपकार में लगाइए, हमारी गोपोटी थोड़ी, और नहीं तो पकड़ कर दे कहां से लाए जा। तो दंड काय का परिग्रह की दंड है, विश्व के किसी भी संविधान में अहिंसा का धन नहीं हो सकता, सत्य का धन नहीं होगा, चोरी का धन नहीं होगा, वो अचौरी का धन नहीं होगा, शील का धन नहीं होगा, और अब संतोष का धन नहीं होगा। हिंसा झूठ चोरी परिग्रह, वो चोरी कुशील परिग्रह यही धन नहीं है, तो ये तो भगवान ने पहले ही करेंगे। अच्छा ये 5 पाप कौन से क्षेत्र में धन नहीं है और कौन से काल में दंड नहीं नहीं बता, किसके लिए दंड नहीं नहीं। शराब किसको नशा नहीं करेगी, तुम्हें नहीं करेगी, तुम्हारे कुल जिसके कुल में पी जाती है उसके दादा पिता पीते रहे और वो पिएगा तो उसको तो नशा नहीं होगा, उसके फेफड़े खराब नहीं होंगे बोलो। वाह हमारे बाबा दादा पीते थे, हमारे पिताजी पीते थे, तो हमारी कुल परंपरा है, तो तुम्हारे पिताजी दादा भी बर्बाद थे, तुम्हारे पिताजी भी बर्बाद थे और तुम भी बर्बाद हो, पंडित जी टूटो मत जी का बात बोलना। कुल क्रम से लोक में भी न्याय नहीं होता, लोक में भी कुल क्रम से न्याय नहीं होता, इसका दृष्टांत क्या दिया है शास्त्र में बोलो, मोक्ष मार्ग बता सको। जैसे कोई चोर अदालत में कहे कि हम क्या करें, हमारे दादा पिता हमारे कुल में चोरी धंधा है, चोरी होती आई है,
इसलिए हमें क्षमा कर दिया यार अथवा पुरस्कृत किया यार, ये तो संभव नहीं। लोक में भी कुलक्रम से न्याय नहीं होता, तो भगवान जनेन्द्र देव के शासन में कुलक्रम से धर्म कैसे होगा। कुल में चली आई परंपराओं को रूढ़ी से बिना समझे ढोते रहे करते रहे और अपने को धर्मात्मा मानते रहे, ये भूल है, मोक्ष मार्ग नहीं होगा। कल रात को कहा था, देखो भाई वेदन तुम्हारे परिणाम में होता है, इसलिए तुम्हारे परिणाम में जो चल रहा होगा उसका वेदन होगा। बैठे जाओ, अभी तुम्हें गुस्सा आ जा या कोई कोई मोह आया, कोई लोभ आया कहीं, तो आपको ये सुनने का आनंद थोड़ी होगा, उस परिणाम का वेदन होगा। वेदन पर द्रव्य का नहीं होता, क्यों? वेद वेदक भाव अवेद होते हैं, यह नियम है। अब तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, उसका वेदन हमें नहीं होगा। उसकी लक्ष्य के हमारे में जो परिणाम हो रहे, इन्हें क्या सोच रहा, इनका भूल रहा, इसका बातें कर रहा, ये ऐसी क्यों बोल रहा है, ये ऐसी क्यों कर रहा है। अब उसका वेदन हमें होगा, जो ये हमारे विकल्प चले ना, उसका वेदन हमें होगा। तुम क्या कर रहे, क्या बोल रहे, क्या सोच रहे, इसका वेदन हमें नहीं। सुख दुख का वेदन परिणाम अनुसार, संयोग सामग्री उदय अनुसार, किसके, स्वयं के उदय अनुसार, जिसको मिली है उसके उदय के अनुसार, और हाँ जितने भी परिणमन है कार्य है वो योग्यता अनुसार भवितव्य अनुसार हो रहे। कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ नहीं कर पाओगे दूसरों में, ये जगत ऐसे ही चलता रहेगा। तो जगत ऐसे ही चलता रहेगा माने ये छह द्रव्य अपना अपना परिणमन करते रहेंगे। गोष्ठी के विषय में भी बोलो, जो गोष्ठी के विषय चला था, ज्ञानी ज्ञानमय भाव करते हुए आनंदित रहेंगे या अज्ञानी अज्ञानमय भाव करते हुए दुखी रहेंगे, ये ऐसे ही चलता रहेगा। क्या कहा, अज्ञानी को कोई दुखी नहीं करेगा, ज्ञानी को कोई सुखी नहीं करेगा, लेकिन ज्ञानी पर से भिन्न अपने आत्मा को समझते हुए सुखी रहेंगे, उनको कोई दुखी नहीं कर पाएगा, उपसर्ग करके भी दुखी नहीं कर पाएगा। है दुखी नहीं कर पाएगा, हमारा अनादर कर दिया, हमको क्यों उठा दिया, वहां बैठो, वहां क्यों बैठे, हम तो यहां बैठेंगे। कसाय के तुम दुखी हो तो दुखी हो, लेकिन अगर मान लो कह दिया तो उड़ो, वहां बैठ जाओ, बैठ गए। अब कौन दुखी कर पाएगा भाई, कई है गजबा हो है, कोई आया हो है गजबा, कोई ना कोई उलझन होगी, चलो ठीक है वहां बैठ गया। अब पता कौन दुखी करेगा, चार लड्डू आए आप खाने के लिए, एक देगा हम खाएंगे, ले भाई तुम खाए, खत्म हो गया। पता कौन दुखी करे, तुम कैसे खाओगे, हम तो इतनी मेहनत से करके आए। अरे आए हो ठीक है, भूखे को थाली खड़का दी, अपने देश की संस्कृति है, अपन भी भूखे और दूसरा सामने आ गया भैया सात दिन के भूखे, चलो हम तो कल के भूखे, ये तो सात दिन का, ले भैया तू खा ले। अब कौन दुखी हो बता, कौन दुखी करेगा ऐसे आदमी को। लोग में कह देते हैं कि बहुत सीधे आदमी, बहुत सरल आदमी भैया जिंदगी, वे दुखी नहीं होंगे, टेंशन नहीं होगा उन्हें, बाहर में पैसा कम हो ज्यादा हो, पद प्रतिष्ठा मिल पाए नहीं मिल पाए, हो पाए नहीं हो पाए, कम जो कुछ भी हो, लेकिन वे ऐसे व्यक्ति दुखी नहीं होंगे, टेंशन नहीं होगा। निश्चित है तो वस्तु का स्वभाव नियम है। पहला नियम क्या बताया, सामान्य गुणों से बोलो,
उनका नाम क्यों नहीं पूछे? पहला नियम क्या बताया? प्रत्येक द्रव्य की सत्ता अपने से है, दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। देह के वियोग हो जाने से आत्मा का नाश नहीं होना, कुछ नहीं बिगड़ेगा। कर्म के नाश हो जाने से आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आत्मा सिद्धालय में रहेगा, भगवान बनकर भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि देह के कारण से आत्मा की सत्ता है, वो तो अस्तित्व बोलते है ना। किसी भी वस्तु का नाश नहीं होगा, नाश करने के परिणाम से तुम क्यों परिणाम खराब हिंसा का बंद बांध रहे हो, पाप क्यों कर रहे? किसी का नाश नहीं होगा। हम कह देते ना अपनी भाषा कह देते, देखो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अपनी कथाओं से कथा में राग भी है, द्वेष तो है ही, राग भी है। अपनी राग से अपनी कथा से केवल अपना बिगाड़ होगा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम रोटी नहीं खा रहे, मत खा। अब जिनको राग है बेबी, अब तुम नहीं खा रहे, बहू नहीं खा रहे, भैया खा ले पी ले बोल है। अब जिनको राग नहीं है मत खा रहे, बैठ गया बताओ किसका क्या बिगड़ेगा, किसका क्या बिगड़ेगा। भूखे तुम रहोगे, गर्मी तुम्हें बढ़ेगी है। अरे उपवास करो तो आनंद है। मतलब आहार का नियम पूर्वक त्याग करके अपनी आराधना में लगो, धर्मामृत पियो और फिर आओ। सबका जारी की बात है, धर्मामृत उपवास के दिन क्या किया जाता है? पानी नहीं पिया जाता, धर्म अमृत पिया जाता है। और जब अमृत पीता है तो त्याग और भूख कैसे सताएगी उसको? विचार करो, तुम भीतर घर बैठ गए अपने आराम से, एक बढ़िया दूध पी गया और कहो अब हम कुछ नहीं खा रहे, तुम आओ खाते करे वो, तुम भीतर दूध पिए बैठे आनंद से। तो ऐसे जो भीतर अमृत पी रहा है, रोटी नहीं खा रहा, पानी नहीं पी रहा, कहा बिगड़ने वाला है? हम रोटी नहीं खा रहे, नहीं खा, हम जा रहे, चले जा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारे यहां मर जाओ, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मतलब तुम अपनी ये मोह जनित या मोह की तीव्रता बस ऐसे खूटी भाव क्यों कर रहे हो, अपना बिगाड़ क्यों कर रहे हो? ये मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ का अर्थ बता था, दुर्लभ रत्नत्रय की आराधना करने के लिए है। ध्यान रखना, जो दुर्लभ रत्नत्रय की आराधना में लग गया, उसने तो इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता समझी है, और नहीं तो खाली बातें करी है। कोई वाक्य याद है रायचंद जी ने लिखा है? इस मनुष्य पर्याय की एक एक पल की एक एक घड़ी की कीमत कौस्तुभ मणि की समान है। चक्रवर्ती सारी संपदा देकर एक आयु एक क्षण आयु नहीं बढ़ा सकता, अपनी या किसी और की नहीं बढ़ा सकता। एक एक क्षण की कीमत कितनी? लेकिन यदि मनुष्य पर्याय में धर्माराधन न किया जाए तो पूरी मनुष्य पर्याय की कीमत, बोलो क्या लिखा? फूटे बादाम लिखे, बादाम नहीं फूटा बादाम, छिलका रह गया। खोखा है ना, खाली रहता है, खाली बादाम सही होते, मूंगफली होती खाली बादाम होते, उसमें भीतर भी का कीमत वाली। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, जरा जरा की बातों में टेंशन में आकर के अपना पाप बंद मत करो, अपना धर्म ध्यान का मूल्य अवसर मत खो। हम नहीं कर रहे, हम तो नहीं करो तो देखा रात ध्यान में पड़े रहो, काम आता है। किस किस की बातों का बुरा मानोगे? आपको अपने जीवन में एक नियम बना लेना चाहिए, नियम साधी की साक्षी में चलो कोई बात नहीं। क्या? किसी बात को प्रतिष्ठा पॉइंट मत बनाओ कभी कहीं। अपने कोई बात कही नहीं मनी मर गई तो ठीक है, कर ले तो कर ले, नहीं हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हो गया। अपन ने सोचा कि यार
नहीं हो पाए। डॉक्टर साहब कर ठीक हो जाना चाहिए बुखार। डॉक्टर साहब कहते हम क्या करें, नहीं हो तो नहीं हो, हम दवा दे रहे। लड़के कल ये काम हो जाना चाहिए। अब वो बेचारा बीमार हो गया, कोई काम लग गया, बाहर चला गया, नहीं हो पा तो नहीं हो पा। या लेबर का काम था, अब लेबर नहीं मिली तो नहीं मिली। हमने कहा ये आज हो जाना चाहिए। अब वो तुमने मान लो नहीं मिली और पहुंचा रहा, वो काम बिजली नहीं आई, अब नहीं हो तो नहीं हो तो क्या करोगे तुम, क्या करोगे हम, क्या करेंगे। बहुत बेकार आदमी। अरे बेकार आदमी क्यों कह रहे हो, उस कार्य का योग्यता नहीं थी, पढ़ने में नहीं था। देखो कर्ता कर्म संबंधी विपरीत मान्यता हो चाहे एकत्व संबंधी विपरीत मान्यता हो, भूतार्थ के परिग्रहण से अभाव होता है। तद भूतार्थ परिग्रहण विलयम एक बार ब्रजे सत्यम ज्ञान घनस्य दर्शन महो भूयो भविष्यात्। समझ में आया ना। तो वस्तु स्थिति भूतार्थ से समझो, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं रखा, इसकी योग्यता नहीं थी। स्वच्छंद नहीं हो जाएंगे क्या? अगर योग्यता नहीं की ये समझ करके अपनी क्षमता नहीं छोड़ेंगे तो स्वच्छंद नहीं है। और अगर हमने तुमने कहा इसकी योग्यता नहीं की साहब हम क्या करें, हैं? ये तुम्हारे कहने लायक वचन नहीं है। आगम कहता है ये कहो ये हमारी भूल हो गई, तुम आगम विरुद्ध कहे, ये कहे योग्यता नहीं है, ये तो खुद कह रहा अपनी हमारी योग्यता नहीं है। और तुम अपने प्रमाद का पोषण करने के लिए, अभिमान का पोषण करने के लिए कहते इसकी योग्यता नहीं है, तो गलती तो तुम्हारी हो ही गई। हम कहते हैं इतने बड़े बड़े हो गए अपन सब जने, जरा जरा से बच्चों को भी सॉरी बोलो, सॉरी बोलो बोलो, जरा जरा से बच्चों को ये बात सिखा रहे हैं और हम नहीं बोल पा रहे, हम अपने चुप बैठे। क्यों? भीतर निगेटिव सोच रहे हैं, वस्तु स्वरूप नहीं सोच रहे, आगम के अनुसार विचार नहीं कर रहे, अपनी कल्पनाएं कर रहे हैं, अटकलें लगा रहे हैं, कसायों के वशीभूत होकर के कर रहे हैं। बस हो भोर अगति में मिथ्यास और कसाय भीतर बैठी हैं, तो अब जो तुम सोचोगे उल्टे ही उल्टा सोचोगे, सीधा सोच ही नहीं पाओगे, सीधा कब सोच पाओगे बोलो भाई, आगम से बोलो। अरे ये तो बहुत बात की बात है, सीधा कब सोच पाओगे, जब सुनो कसायों की मन्यता हो, माली होनार हो और जिन्हों उपदेश मिला उसे विनय पूर्वक सुना, तब आप सीधा सोच पाओ। उसके पांच संभाव होंगे, तुम्हारी माली होनार हो, खोटी होना जाए विधि दारों दुख नहीं, काफी मजी विधि माने ईश्वर थोड़ी, विधि माने कर्म, इसकी नरक गति होगी। वह संयम के बारे में नहीं धारण करने की बात नहीं डर पाए, जिंद गति बन गई नहीं कर पाए, और देव गति में जाना होगा तो होगा तो कब सोचो सच भली अच्छी सम्यक कब सोच पाओगे, जब आपकी भली होनार हो, विनय और शुद्धि हो, कसायों की मंदता हो, मोह की मंदता हो, मोह की और कसायों की मंदता हो अर्थात विशुद्धि हो, ठीक है ना। और तीसरा जिन्हों उपदेश मिला हो उसे विनय पूर्वक सुना समझा हो, अब आप आगम के अनुसार विचार कर पाओ। नवाधिकार कोटर मंजी का पढ़ लेना, अतंगी पंचेंद्री जीव तो कुछ सोचने समझने की शक्ति वाले ही नहीं है, और तीव्र कसाई उद्यम करे तो पाप का ही करे, उद्यम माने विचार करे, बोले, चेष्टा करे, ये तो सब उद्यम है व्यवहार से, तो तीव्र कसाई उद्यम करेगा तो पाप का ही करेगा, उल्टा ही करेगा। ठीक है, अब तीसरी चलो, इसलिए तीव्र कसाई की भी नहीं कर मोक्ष मार्ग में नहीं लगेगा। अब आगे चलो, जिसकी मंद कसाय हो उसके दो परिक्रमण होते, यदि कसाएं मंद हो और जिन्हों उपदेश न मिले तब तो वह उन पाप के कार्यों में अथवा लौकिक कार्यों में ही
मंदता से प्रवर्तता है। मंदता से प्रवर्तने का मतलब घर में लड़क नहीं है, युद्ध नहीं करता, जो मिल रहा सो खाए पी रहा हो, जो मिल रहा सो पहनो रहा हो, भैया दादा तुम बाहर ले जाओ हम बाहर ले जाओ, भैया तुम दुकान कर जाओ हम दुकान कर जाओ। अब वो जिनोपदेश तो मिला नहीं तो मंदिर और स्वाध्याय की बात तो है ही नहीं, फिर ध्यान लगा दूंगा तो हम लगा देते। उसे क्यों नहीं कह रहे, वो क्यों नहीं लगाता, हम ही रोज रोज क्यों लगाएंगे, तबियत खराब है या तुम दूध लिया खो गया तो दाम दूध लिया। यदि कथायों की मन्नता हो तो पाप कार्यों में ही, विषय कथाओं में ही, आरंभ व्यापार आदि में ही, लोक व्यवहार के कार्यों में ही मन्नता पूर्वक प्रवर्तता है, वहाँ जितता नहीं है, प्रतिष्ठा पॉइंट नहीं बनाता, लड़ता नहीं है, हड़ता नहीं है, हटता नहीं है, भगता नहीं है, छोड़ दे, समझ मान गुरुजनों को गिनता है, गुरुजनों को नहीं गिनता। अब गुरुजन माने बड़े लोग हैं, ठीक है तेने कही हम कह, ऐसी स्थिति पहले थी समाज में भी, ज्यादा पढ़ाई लिखाई तो नहीं थी, लेकिन कहू बड़े ने कह दिया तो कहा बस फिर को नहीं गया, अब ये नहीं होगा तो ठीक है हो जाए, पहले तुम करो ठीक है तो काम कर। हम कह रहे हमारे पंचायतों के तो व्यवस्थाएं ऐसे ही होती है, भैया तुम संभाल, अरे दादा हमें समझ को जाए तुम संभाल, हम कह रहे तुमसे ना, हम तो कह रहे संभाल तुम संभाल तुम मत, तो ठीक है बात हम संभाल। माने जैसे कोई भार आएगा हो और भारी समझते थे वो थैली आरम धारी, जब एक दफे ऐसा ही हो गया एक जगह मंदिर पंचायत की कोई व्यवस्था थी, सभी दस पांच लोग आ गए बोले जा रहे साहब बता रहा, तो बगल में वो मंदिर करता लेकर के डिब्बा थैलिया बन गया, बने देखा भाई सब कर अगर बच्चा कर नोट बोट सब के नहीं मिलते, अब वो एक दो कलम नहीं मिल पा रही उसमें, तो देखा जाए कतरे 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 चुप बैठे रहे, तब तक अध्यक्ष जी चुप बैठे रहे और थोड़ी देर में मिले जाने वो तो भाई इनके सरल आदमी की लिखा पढ़ी में देखा आगे पीछे हो सकते थे, ये काका जीते बोलते हो सकते, लेकिन जाए है तो वही पढ़ने की चिंता नहीं, जब मिल गई तब भी तब बोली का समझ लो तुमने लड़का उछोर समझ लो, वो करे हो काम तुम तो उनसे तब आओ काम तो जी देगा बगल में तुम्हारा अपनी धर्मशाला बोल, उसने कुछ नहीं कहा लेकिन भी दादाजी बोल तुम्हारा अपने आज तो भी चले गए, मतलब क्या है कि मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है, आगम के अनुसार विचार करके अपनी परिणति को समता की ओर ले चलो, काउ से मत डरो, लोग कहते भगवान से डरो, भगवान से डरने का मतलब क्या, भगवान तो भीतर आ गया, भगवान से डरने का मतलब क्या है, भगवान ने जिसे दुख का कारण कहा है ऐसे मोह से डरो, कथायों से डरो, पापों से डरो, व्यसनों से डरो, डरो माने दूर रहो, भगवान से डरने का मतलब क्या, भगवान से डरने का मतलब पंडित जी से डरो, पंडित जी से डरने के मतलब क्या है, पंडित जी पास मत जाओ, पंडित से बोलो मनी, पंडित रूप से सुनो नहीं, ये कोई पंडित जी से डरने का मतलब, पंडित जी से डरने का मतलब ये है लेट मत हो धन से बैठ जाओ, पर क्या उल्टा सीधा आचरण मत करो, कठोरता का व्यवहार मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, कुटिल मत करो, परिग्रह का मैं परिमाण करो, संतोष से रहो, न्याय से कमाओ, तो पंडित से डर लग रहा हूँ, पंडित से डर काम होता वे मानता बहुत खराब मन से डर लग है, होमवर्क पूरा कर रहे हो डरने का मतलब यह है, शुद्ध उच्चारण करो, अच्छा लेख लिखो,
अनुसाधन बंद मत करो। यही तो है अध्यापक का मतलब, वो तो तुम्हारी पीठ ठोंकेगा, घटने की बात ही नहीं। महापुरुषों से डरना अपने अवगुणों से डरने के समान है। अगर अवगुणों से नहीं डरता है तो तुम्हारा डर झूठा है, केवल छल है। डर के बहाने से बचना चाहते हो, डर डर वर कुछ नहीं। हम तो बहुत कहते कई बार, देखो गरीबी से हमको चिड़ नहीं है, हैं कम हो बिल्कुल चिड़ नहीं है, कमजोर हो वृद्ध हो बालक कोई चिड़ नहीं। अप्रामाणिक नहीं होना चाहिए, बात जो कही उसको समझो, उसका किस प्रकार ये आचरण हो सकता है, पालन हो सकता है, इस बात पर ध्यान दो। ये नहीं है तुमने कही हमने सुनी बस चुपचाप रह गए, बस भूल भूल हो गई, पता ही नहीं पड़ो कब कहा गई। ये है गुरु का गुरु बनना, जो राजचंद जी ने कहा गुरु का गुरु नहीं बनना, मतलब ये है कि उसे अनादर भाव से नहीं रखना। तो जब जीव की कथा तीव्र होती है तब तो उल्टा उद्यम होता है, विषय कथाओं में तीव्रता होती है, आसक्ति होती है, और जब कथाएं मंद होती हैं और जिनोपदेश नहीं मिलता तब विषय कथाओं में मंदता पूर्वक प्रवण। इसको लोक में कहते बड़ा भैया पद परिणाम कुछ तो वह देखी नहीं, बस मुंह से कहूं गाली निकली नहीं बैठा, तब दफा चार बातें कह दे गम खा बहुत भैया। बोलो वो आदमी का देवता है, बोलो माने देव गति के लायक परिणाम हुआ, ठीक है ना। लेकिन जिनोपदेश मिलता है जब कथा मंद हो भली होनार हो और जिनोपदेश का योग बने, अब योग तो बन गया, अब वो उसको विनय और भक्ति से धारण करे तब वह ही जिनागम के अनुसार विचार कर पाएगा और जिनागम के अनुसार ही वचन बोल पाएगा और जिनागम के अनुसार ही आचरण क्रिया कर पाएगा। अनुबीज भाषण कब कर पाएगा, क्रोध लोभ वीरत्व हास्य प्रत्याख्यान से हसी मत करी, छोड़ हसी में मत हुआ कोई बात, क्रोध गुस्सा मत करो, वीर भय को छोड़ो, क्रोध लोभ वीरत्व हास्य प्रत्याख्यान अनुबीज भाषण इनका त्याग करके आगम के अनुसार बोलो। और पहले आपको अभ्यास करना पड़ेगा। आपको एक दृष्टांत दिया था कि देखो अंकुरा तो भीतर से आएगा लेकिन जब बीज ऊपर से डालोगे तब, अब तुमने कछु नहीं डालो बीज वहां में कि अंकुरा आए आगे आए हैं दो तीन चार दिन में आए घास फूस आया और तकनी हो। जब तुमने खेत में बीज बोया है गेहूं का चना का मटर का सरसों का तो जो डबूया उसका अंकुरा फूटेगा उसमें ऊपर से डालो। ऐसे तुम ऊपर ऊपर से विचार करो, सुनो पढ़ो, मन नहीं है तो चलो बैठा बोल, आज मन नहीं है, अरे मन नहीं है तो माँ क्या कहती है बेटा रोटी खा ले, आज मन नहीं है अरे कछु तो ले ले, नेका तो ले ले, एक आध ले ले, दिन बड़ो होते है रात बड़ी होती है, माने कैसे गर्मी बढ़ जाएगी बीमार हो जाओ, माने कितने नफा नुकसान बताए हमारे माटी दादो, अरे कुछ खा ले तो ठीक हो नहीं तो और माँ तो बनना है वो माँ कैसे बोलती यही तो कहेगी। और उस माँ की बात मान करके थोड़ा बहुत जवाब ले लेते हो पर कुपच तो नहीं जाएगी है, अब हमारा मन नहीं है हमारी कुछ भूख नहीं लगी, पेट भारी है पेट साफ नहीं हो, सही काम करो तुम तो चार कचौड़ी खा ले खुरमा खा ले, ऐसा तो नहीं कहेगी माँ बेटा निगरस ले ले नहीं सब्जी ले ले, यही तो कहेगी खिचड़ी खा ले दाल को पानी ही पी ले, भाई पत्ते ही तो कहेगी। तो जिनवाणी माँ भैया उपयोग नहीं लगता तो भी लगाओ दर्शन में पूजा में स्वाध्याय में, आई हमारा मन नहीं तो आगे बैठ जा नहीं देर बाद अच्छो लगन लगे मन लगन लगे, उपयोग लगाए तो लगे, छोटे कामों में मन लगे तो भी वहां से हटा क्यों वो हमारे लिए अहितकारी, और धर्म कार्यों में मन न लगे तो ही लगा, मन तो चंचल है विपरीत है मन, मन मतंग माने नहीं जो ना लगा न था, तो मनमानी करोगे मन के हिसाब से चलोगे तो नरक के दुख कौन भोगेगा, तेरी अंत गति के दुख कौन भोगेगा बता,
मन मने हिसाब से खाओगे पियोगे, फिर वो रोग की आंख वेदना को कौन भोगे, कैंसर की टीबी को और वो तमाम रोग होते ना, कौन भोगेगा बता? मन के हिसाब से मत चलो, आगम के हिसाब से चलो। आगम चक्कू चारो, आगम की जाने से बताया, पर नियम बनाओ भाई, घर के घर घर के नियम नहीं चलेंगे हम। जो ट्रैफिक विभाग ने नियम बनाए हैं वे चलेंगे कि तुम्हारे घर के नियम चलेंगे? जब विचार करो, संस्था में संस्था के नियम चलेंगे कि तुम्हारे नियम चलेंगे? तो मुख्य मार्ग में ये वस्तु स्वभाव रूप नियम चलेंगे कि तुम्हारे कल्पित नियम चलेंगे? और नहीं तो एक काम करो, एक प्रस्ताव रख दो, इस पंचवर्षीय में हमारी सरकार जब तक रहेगी तब तक कोई नहीं मरेगा, किसी व्यापारी को कोई नुकसान नहीं होगा, किसी किसान की कोई भरकोच नहीं होगा, टाइम पर पानी बरसेगा, टाइम पर धूप पड़ेगी, टाइम पर सर्दी पड़ेगी, बिल्कुल जितनी चाहिए उतनी पड़ेगी, टाइम पर सब काम होगा। बोलो ये नेता लोग कितनी कहते हैं, 24 घंटे बिजली मिलाई, तुम्हारी जेब में धरी मिलाई। जब तक बिजली की बर्बादी नहीं रुक रही है तब तक सबको कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, इतनी नहीं मिलेगी। हमारे साहब कदम कदम पर वो ऐसा होगा, बोला अरे होगा कैसे, अब तुमने कह दिया सबको 5 पेड़ लगाना चाहिए, अब पेड़ ने कही लग गए, अब कैसे लग जाएंगे? नियम का समझना ही पर्याप्त नहीं, नियम का अभिप्राय प्रयोजन भी समझना और उसका पालन भी करना, तब तो उसका फल आएगा। स्वाध्याय का नियम तो स्वाध्याय के नियम का प्रयोजन क्या है, स्वाध्याय के नियम का फल क्या है? अब आपने कही तो हमने नियम ले लो तो रूढ़ी से आप कर जाओगे, कभी अब क्या करें भैया, तबियत खराब हम पर हमारा नियम छूट दो। और अगर प्रयोजन पर दृष्टि होगा तो साथ पढ़ना ही प्रयोजन थोड़ा ही है, कोई बात नहीं तबियत खराब, भैया बेटा सुनाना हमको जरा बैठ करके, हमने सुन लिया और मान लो सुनाने वाला भी नहीं है तो इतने दिन से तो पढ़ो लिखो, सीजन हो गए तो क्या भूखन मरेगी? सीजन के समय इतना कमा करके रखा है, खाएंगे पियेंगे आराम से, भूखन का कौन है? ऐसी स्थिति हमारी थोड़ी है कि आज कमा लो आज खा लो, कल के कुछ भी है नहीं। अरे हमने कमा करके रख दिया ना, उसको खाएंगे, तो जो हमने सुना पड़ा है इतने दिन, आज कोई मुसीबत तकलीफ आ गई भाई, कहीं उलझ गए, कहीं बीमार हो, तो जो पढ़ा सुना उसका विचार करेंगे, पढ़ेंगे अपन चिंतन करेंगे, और सारे स्वाध्याय का फल तो एक आत्मा की आराधना है। हम पे नहीं कछु होगा तो बस ओ, आज तुमने स्वाध्याय नहीं करो कि यही तो स्वाध्याय हो रहा, और का स्वाध्याय नहीं हो रहा। अब तुमने एक गाथा नहीं पढ़ी, अरे सबरी गाथा पढ़नी, ओम नमः में क्या नहीं आया, ओंकार ध्वनि में बोलो, सारा द्वार संघ ओंकार ध्वनि का सार है। द्वार संघ का सार क्या बता, ओंकार ध्वनि में ही तो सबरे शास्त्र बने हैं। सब ज्ञान सो आत्मा ही है, सुत केवली उसके बने, अरे सुत केवली का दो केवली भी उसके बने, केवली भी तो ज्ञान के आचरण से, ज्ञान की आराधना से ही तो बनेंगे, और केवली होकर के भी वे ज्ञानानुभूति तो करेंगे, समस्त लोकालोक ज्ञान में झलकेगा तो भी ऐसे ऐसे थोड़ी देखेंगे, राग देश थोड़ी करेंगे, ये कार को दिख रहे हो, ये क्यों नहीं दिख रहे हो, ऐसा थोड़ी करेंगे, दिख रहा तो दिखे, दिखे तो न दिखे तो हमें कोई प्रयोजन ही नहीं रहा। हमारा तो प्रयोजन सर्वार्थ सिद्धार्थ तैयार करके अपने को अनुभवते हुए हमारे परम सुख की प्राप्ति हो गई, अब हमको कोई मतलब नहीं, दिखे जितना दिखना हो, दिखे नहीं दिखना हमें कोई मतलब, अब प्रयोजन पर दृष्टि होगी तो बता अब स्वाध्याय कैसे होगा,
और नहीं तो जल्दी जल्दी शास्त्र पूरे करनी पड़ेगी। जे पूरे कर लो जे पढ़ ले, जे पूरे कर ले जे पढ़ ले, शास्त्र पूरे करोगे और अपने को अधूरा देखोगे हैं? और अधूरे अधूरे विकल्पों में बोलते रहोगे काय का स्वाध्याय। और प्रयोजन पर शक्ति हुई तो फिर अब आपका स्वाध्याय कैसा होगा? एक भाषा बोल रहे ध्यान रखना बात, सूक्ष्म होता जाए, अंतर्मुखी होता जाएगा स्वाध्याय और परमार्थ स्वाध्याय की ओर बढ़ते चले जाओगे। ये स्थूल स्वाध्याय जो आप पढ़ रहे थे, ये सुन रहे, ये स्थूल स्वाध्याय जब उसका विचार करेंगे तो कौन को नहीं पता स्वाध्याय कर रहे हैं, समझ में आया? और बैठी बैठी स्वाध्याय कर रहे हैं, अब कौन को पता स्वाध्याय कर रहे हैं? सूक्ष्म हो गया कि नहीं हो गया? दूसरे लोगों को नहीं दिख रहा। और सूक्ष्म में भी अब गाथा पाठ कर रहे भीतर भीतर, फिर गाथा पाठ भी नहीं कर रहे अर्थ विचार कर रहे, और फिर उसमें भी वेद ज्ञान कर रहे, और वेद ज्ञान में भी बस अपने स्वरूप का ही चिंतन कर रहे, और अंत में वह भी छूट गया ज्ञान के ज्ञान को अनुभव करते हुए परमार्थ स्वाध्याय में पहुंच गए। क्या होगा समझ गए? क्या होगा? स्वाध्याय सूक्ष्म होता जाएगा हमारा, और जो चीज जितनी सूक्ष्म होती जाती है उसकी महिमा भी उतनी बढ़ती है। परचूनी की दुकान देखो और जवाहरात की दुकान देखो, परचूनी की दुकान मानो लगी है, दुकान के बाहर वहां तक ढेर लगो तमाम सामान पत्रों धरो और दो आना चार आना वहां, अब दे दिया 2 रुपया 10 रुपया 50 रुपये की। और वो तो हमने कहा था ना, एक गांव का बेचारा परचूनी वाला आदमी शहर में पहुंचा तो बढ़िया जवाहरात की एक दुकान जोरी की, बढ़िया पक्का चादर भी एक तिजोरी रखी, कांटा रखा, मुनीम रखे, सेफ्टिया करके बैठी मटन लगा, उसको बड़ा चंबा हुआ। थोड़ी देर जीत करा फिर लौट करके उधर घूम करके आया, मरी जी का खाते है हम सवेरे से संजारो भीड़ मची गए, दुकानदारी करते हैं तब अपनी गुजर कर पाते, मकान मना जी खाद का अरे तुम जन महीना में कमाओगे तब तो एक ग्राहक आएगा और दे जाएगा। बेटा ये व्यापार सूक्ष्म व्यापार है तो ठीक है, अब हम ऐसे करें एक तिजोरी डाल जवाहरात कभी नहीं है, है? और बात वाने पक्का पक्के दर शादी बैठ गो हीरा है का वो हीरा। अरे भैया माल भी चाहिए, परख भी चाहिए, वो आदमी की भी परख चाहिए, सब चाहिए, परिणामों की परख चाहिए, उदय का ज्ञान चाहिए, भवितव्य का ज्ञान चाहिए, सात तत्वों का ज्ञान चाहिए, आप आनंद से काम कर पाओ। ये व्यापार सूक्ष्म व्यापार है। कैसा व्यापार है? इसमें हानि की गुंजाइश ही नहीं है, लाभ ही लाभ है और वृद्धिंगत लाभ है, बढ़ता बढ़ता लाभ है, इसमें हानि है ही नहीं। बाधवा की व्यापार स्थूल उपाय देखो, स्थूल जी पूजा कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, एक घंटा जी खड़े, अब जी कर रहे, अब जी कर रहे, सब दिखाई दे रहे हो, मुंडा जी बैठे किसी दर्शन नहीं कर रहे, तुम्हें मालूम है क्षण क्षण दर्शन कर रहे हैं, आज मैं स्वाध्याय भी नहीं करूँ, तुम्हें मालूम है क्षण क्षण में स्वाध्याय कर रहे हैं। तुम एक गोली नहीं खा सवेरे संजा लो, हम 6 गोली खाते हैं तब कहू नींद आए पास संजा लो, तब कहू भूख लगा तब तब पेट साफ होते, और तुम एक गोली नहीं खाते, हाँ यही तो है और बिल्कुल स्वस्थ आराम से। ये तो रोग ही औषधि थी, जब रोग ही नहीं रहा, इच्छा रूप रोग अभाव हो गया तो अब इन सब की जरूरत ही नहीं। बिना विषयों के सुखी, बिना निमित्तों के कार्य, बिना गेयों के ज्ञान और बिना संयोगों के प्रभुता, स्वाभाविक ज्ञान, स्वाभाविक प्रभुता, स्वाभाविक सुख, स्वाभाविक बल पर से निर्देश, ये नियम है। तो भैया नियम समझने लायक है, नियम बनाने की बातें मत करो, हम अब एक नियम बना ले, हम एक अपनी भजन बना ले, अरे जो बने बनाए देने भेजे समझो, बस पढ़ो सीखो रखो पचो उसमें उसका भाव आदर करो,
हम ये किताब लिख दें, हम ये साथ लिख दें। अरे जो लिखे और ये समझ करके अपना हित करो भैया, इतनी बुद्धि नहीं है तब अपने अपने घर के नहीं मत मतांतर है कहीं तो बन गए। हम अपना एक धर्म चलाएंगे, हम अपने एक संप्रदाय चलाएंगे, हम अपना मत चलाएंगे। अब बता तुम कहाँ चलाओगे, कैसे चलाओगे भैया? भगवान सर्वज्ञ देव ने जो कहा है धर्म और स्वरूप वस्तु स्वरूप उसको समझ ले, बस इतना ही तो बहुत है। धर्म है अब तो दो लोग तीन लोग चार लोग आपको कहा था एक लाइन कही थी गोष्ठी में, अरे छोटा परिवार होने से सुखी नहीं हो जाओगे, तृष्णा तो तुम्हारी छोटी नहीं है, कसाएं तो तुम्हारी छोटी नहीं भाई, घटी नहीं है। कितने बड़े बड़े परिवार होते हो आनंद में रहते, कछु बात नहीं थी। क्यों? वात्सल्य बड़ा था, हृदय बड़ा था, गुंजाइश बहुत थी, समझ बहुत थी। अब आपस में दो जने तो दो ही जने की नहीं बनते, पति बने दो जने में तलाक हो गए। ये भगवान अब कहाँ जाओगे, अब कहाँ जाओगे, क्या करोगे बोलो? अकेले हो गए तो आप अकेले क्यों बोलते सीधे फते तो अकेले अपने टेंशन में फिर पूरी खाए मर जाओ। बोलो क्या हो रहा हो, यही हो रहा हो कछु और हो रहा हो? एक आदमी कमा रहे हुए कोई बात बेटा तुम का चिंता करो, आराम से पढ़ो लिखो जा। एक पैरमानी करो बस, एक अपने मंदिर में लगो, एक अपने और समाज के काम नहीं बोलो, और सब एक खाए रहे पी रहे मस्त। एक दुकान पे से कितनी गुजर चल रही, और पत्नी अलग कमा रही, पति अलग कमा रहे, गुजर ही नहीं हो रही, ना होने ना हो रही, वो नहीं होने क्यों? तृष्णा पर में है, सोच विपरीत है। तुम काय को अपने अपने नियम बनाए के चक्कर में पड़े हो हैं? तो हम कह रहे घर में 10 जने मन लो, कल्पना करो, और सब जने भाई भाई हम तो अपनी रोटी बना ली, हम तो अपनी रोटी बना ली, एक एक चूल्हे दस घंटे और रोटी बना लो, क्या हो के दो? और छोटा लड़का बोला हम अपनी रोटी बना ली। हम भी कभी कभी हम अपनी रोटी बना दी मालूम है, लाड़ प्यार वाले जीव कैसे कहे तुम बनी बनाई खा ले, बनाए तो खाओ बहुत करे, बनी बनाई खा ले। सुनो अगर कथाएं तीव्र हैं तो बना करके भी खा नहीं पाओगे, झुंझलाओगे, कच्चर जाएगी, मोटी हो जाएगी, कचकची हो जाएगी, वैसी होगी कम कचू हो। अगर जब तुम्हें समझ और अभ्यास है नहीं तो हो खा जो बता, अगर खाओ भी बैठोगे फिर गुस्सा आएगी। अगर तुम्हारी कसाय तीव्र है तो बनी कहना बना करके भी कमा करके भी खाना चाहोगे तो अभी चैन से नहीं खा पाओगे, और अगर कसाय मंद है बेटा सवेरे की डरी तो कह रहे कोई बात नहीं ठंडी, अरे हो जाने ठंडी का फर्क बदला, आराम से खा लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर तुम्हारी कसाय तीव्र नहीं है तीव्र है तो चांद जैसी अनुकूल मिल जाए भाई में तुम एक विकल्प करके आग लगा दोगे अपने मन में नहीं खाता। खिलाने में दान देने में भी बहुत मंदता चाहिए और दान लेने में भी बहुत मंदता चाहिए, बहुत संतोषता। बुढ़ापे में चैन से रोटी नहीं खा पाते अपनी कसर होगी, खाली भगवान की कसर नहीं है, वे रोटी नहीं देती। आज भी हमारे देश में अभी सवा इतना नहीं है कि अपने पुरखों को रोटी नहीं दे चैन से कुछ कसर हो होते हुए। अरे उस परिस्थिति को समझो भाई, उनकी भी परिस्थिति समझो, अपनी भी परिस्थिति समझो, अपना उदय समझो, अपना भवितव्य समझो, अपना हित समझो मूल में। अरे अब फेंक दे मैं का, अब क्या करोगे? नहीं ठंडी है ठंडी खा लो, न गर्म है गर्म खा लो, है अब नहीं कर नमक कम है तो कम खा लो, पीछे भांगी लगा देंगे ज्यादा तुम्हें बीमारी लगी, ब्लड प्रेशर लो है तो हैरान क्यों हो रहे हो, हैरान क्यों कर रहे हो? ये कसाएं स्वयं के लिए दुख का कारण है, दूसरे के लिए दुख का निमित्त है। हम तुम्हारी पार्टी में घबराओ मत, लेकिन तुम्हें भी तुम हमारे पास आ गए तो तुम्हें सुधार की बात करेंगे, और कोई बच्चा आ गया तो बच्चे सुधार की बात करेंगे।
तुम कहो बच्चा को समझा दे तो हम कहें तुम समझ ले, और बच्चा कहे पापा को समझा दे कि मानता नहीं सुनता नहीं है, हम इनसे कहते तो हम कहें तुम समझ ले। स्वयं समझो, दूसरे को समझाने की बातें छोड़ो। तो वस्तु का स्वरूप नियम है, वस्तु गुण से द्रव्य गुण से नियम का विचार करना, छह गुणों के आधार से नियम का विचार करना। ओम नमः सिद्धि ज्ञान।